करने आता हूँ वो शहर को अपने बनाऊंगा। If you think you're bad, I'm your dad. तीन नंबर हैकर था। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आ चुका हूँ एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ और आ चुका हूँ टेम्पर। और आज वाली वीडियो वैसे तो स्क्वाड का गेम प्ले है, लेकिन बन जाती है सोलो भी स्क्वाड, क्योंकि भैया सब टीममेट अलग अलग उतरे होते हैं और मैं अलग। फिलहाल सामने बंदे उतरे हुए हैं कुछ कुछ, तो निपटाते हैं उनको। अब इन बदमाशों को निपटाने के बाद पीछे से एक यूएस की आवाज आती है जो कि यहां से भग रही होती है, तो जाके पीछा करते हैं और शायद से वो गया रिकॉल करने के लिए अपने टीममेट को, तो जाके मारते हैं। फिलहाल जब सामने तरफ जा ही रहा होता है एक यूजी से फायर होता है, इसका मतलब किसी ने अभी यहां पे किसी को लगाया है जो कि सामने दिख जाता है। नॉक करते हैं उसको, सीधा रश करके कर देते हैं खत्म। अब देखो यहां से मुझे निकल कर जाना था पोचंकी, लेकिन टेंपल पे एक यूएस दिखती है और हम लोग घुस जाते हैं। बंदे हैं यहाँ पे। अब शायद से ये बंदा भी अपने स्क्वाड से हट के आया था खेलने के लिए, उसको निपटा दिया। वहां से निकल के आए पोचंकी, यहां सामने एक बंदा भागता वो दिखता है और कसम से ये बंदा हालत टाइट कर दिया था यार। तुम देखो किस्मत का नाम सुना है भाई, किस्मत से बचाऊं यहां पे, नहीं तो कंफर्म खत्म होता। फिलहाल ये इकलौता होता है, इसको फिनिश कर देते हैं और इसके जो टीममेट्स वगैरह होते हैं वो रिकॉल चल जाते हैं, तो हम लोग यहाँ से निकल के सीधा रिकॉल जाते हैं। और कसम से भैया इन लोग के साथ जो स्कैम किया है हम लोगों ने ना, देखो तुम दो है दो। एक और है। तो यही लास्ट बंदा होता है इनके स्क्वाड का और शायद से एक और बच रहा है, क्योंकि ये अभी नॉक हुए थे। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, लेकिन नहीं मिला। फिलहाल यहाँ से निकलते एक बग्घी आती है, मेरी टीममेट को नॉक कर देती है। बग्घी में दो बंदे थे, साथ ही साथ यहाँ पे एक डासी आएगी और देखो भैया यहाँ पे क्या होने वाला है। बस तुम भाई कसम से बता रहा, ये रेड जोन ना दिमाग खराब कर देता है कतई, एकदम किस्मत खराब है मेरा। मतलब मैं जब जब बाहर रहा हूँ रेड जोन में मरा ही हूँ,
और मर जाता हूँ। फिलहाल रिकॉल होकर ये वाली जगह आता हूँ। और बंदे कुछ जल्दी ही आ गए थे हवा में उड़ने के लिए, टेंपल के ऊपर जाने के लिए, तो निपटाते हैं। अब मैं पोचन के आता हूँ, सामने बंदा दिखता है, नॉक करते हैं उसको और रश करते हैं सीधा। अब सच बताओ मुझे लगा था इसका टीममेट वगैरह भी होगा, लेकिन इकलौता होता है तो निपटा देते हैं। साथ ही साथ एक बॉट मिलता है, बॉट को फिनिश करता हूँ। उसके बाद मैं बंदे हंट करने आता हूँ ड्रॉप के पास, और यहाँ पे एक यूएस जाती दिखती है। कसम से अच्छा खासा डैमेज दिया था इसको यार, और मैं सीधा रश कर देता हूँ उनके ऊपर। क्या बताऊं तुमको, मुझे लगा था जंप करेगा, लेकिन साला वो जंप करके उस साइड जाने वाला था। ये तो कोई बंदा पीछे था, नहीं तो कर देता खत्म मुझे। फिलहाल दोनों को निपटा दिया था, दो और बंदों को फुटस्टेप आ रही है इनकी, देखो कैसे निपटाते हैं उनको। अब ये बंदा कतई कैंप करके बैठा हुआ था, और मुझे नहीं पता भैया कैंपर लॉबी क्यों आ रही है कुछ दिनों से, बहुत गंदी लॉबी आ रही है, बहुत लोग परेशान है। फिलहाल वहां से निकल के ये वाली जगह आता हूँ, एक को नॉक कर देता हूँ, उसका टीममेट जाता है उसको बचाने के लिए, कर देते हैं उसको भी खत्म। फिलहाल जिस बंदे से ये फाइट कर रहे थे वो तो दिखते नहीं है, तो मैं चल जाता हूँ जोन के अंदर, और जोन में आने के बाद सामने मुझे एक बंदा दिखता है और मैं धर लेता हूँ उसको। अब ये बंदा किसी से तो फाइट कर रहा था, और जिस बंदे से फाइट कर रहा था अब पाला था उनसे मेरा। उनमें से एक को नॉक करते हैं, दूसरा आगे है, देखो बस क्या होगा। अब देखो वो किसी के ऊपर फायर कर रहा था, ये मुझे नहीं मालूम किस पे, लेकिन फायर कर रहा था। अब मेरे पे फायर कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन पहले हेल्थ लगाते हैं और फिर देखते हैं इस बंदे को। और कसम से यार देखना है क्या सीन होगा यहाँ पे। बंदा एकदम डरा के मेरे को मारा है, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मरा हूँ एक ऐसे बंदे से जो कि क्या ही बोलूँ। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना था, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट। लाइक एम जितना करवा सकते हो करवा दो यार, एक बोलता हूँ तो साले तुम लोग यार क्या इंसान हो, मतलब एक करके छोड़ ही देते हो, करवा दो लाइक यार।